नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। शहर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस के संभावित खतरे से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सोमवार को बीडीओ राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली और बीपीआरओ हिमांशु शेखर के द्वारा संयुक्त रूप से शहर के बस स्टैंड, चौक सहित अन्य जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बाइक चालक और अन्य बिना मास्क पहने लोगों से ₹1,000 का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने बताया कि ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को मास्क पहनने और पहला डोज ले चुके लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संभावित खतरे से निपटने के लिए वैक्सीन का दोनों डोज अनिवार्य है। क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाकर घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। शहर में मास्क चेकिंग अभियान से पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। लाइव टीवी समाचार के लिए भागलपुर मंडल प्रभारी चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट।